मोदी जी ने रख दिया क्या शक्ति पॉइंट रख दिया उस पर कहते शहीद के नाम से रखते भाई हैं शिव शक्ति क्या है धर्म मजहब के नाम पर नोटंकी कर रहे हो देश क्या देश कहाँ लेके जा रहे हो उसको समझे वैज्ञानिकों का भी मजाक उड़वा रहे हो तुम ये जो पाखंडवादी व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं इस देश के ऊपर साम्राज्यवाद पैदा करना चाहते हैं इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा है भिकमंगो है जात पात के नाम पे बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो तुम है इससे कौन बचाएगा बे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने वाले ये बे, बेटियों की इज्जत खुद लूटते हैं पाखंडवादी व्यवस्था पे हराम की खाने वाले लोग हैं ठीक है ये कलश यात्रा कलश यात्रा नहीं थी वो ये भारत में कलेश यात्रा बनाना चाहते थे तो ये पाखंडी है ढोंगी है लुटेरे हैं आतंकवादी हैं देशद्रोही हैं मतदान देना बंद करो देख लेना ये भिकमंगे अपनी औकात पे आ जाएंगे नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र भाई नंदा क्रांतिकारी कहे जाते हैं और जो जुबानी मिसाइल है वो इनके बहुत खतरनाक होते हैं क्या कहेंगे चंद्रमा पर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है हाँ कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र है बीजेपी आर वो कहाँ से तो एक काम करो ना ये चंद्रमा पिछली बार, बार वो क्या नाम है जो मिसाइल जो गई थी पहले चंद्रयान टू गया था उस पर नींबू बांधा था समझे नहीं नारियल ही फोड़ा था वो चंद्रयान भटक गया था और चंद्रयान थ्री पे ये सब नहीं किया था तो वैज्ञानिकों का पूरा दिमाग था उस पर पूरी ताकत लगा दी थी तो ये वैज्ञानिकों के माध्यम से गया है चंद्रयान थ्री जो आज दुनिया का चौथा देश बन गया चंद्रमा पे जाने वाला इनके पाखंड की वजह से नहीं है नारियल फोड़ने से पानी महाराज ने कहा है कि भगवान की कृपा से चंद्रयान सफल हो गया अब वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहां पर वो लैं, लैंड हुआ है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है तो कौन सी किसकी कृपा से खुद मोदी जी ने रखा हाँ, हाँ मोदी जी ने रख दिया क्या शक्ति पॉइंट रख दिया उस पर कैसे शहीद के नाम से रखते भाई हैं शिव शक्ति क्या है क्या है शिव शक्ति समझे क्या मजाक धर्म मजहब के नाम पर नोटंकी कर रहे हो देश क्या देश कहा लेके जा रहे हो उसको समझे वैज्ञानिकों का भी मजाक उड़वा रहे हो तुम समझे किसी वैज्ञानिक के ना ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम से रख देते क्या परेशानी है उसमें है मगर शिव सक, शक्ति क्या है क्या है वहाँ पॉइंट है किसी शहीद के नाम से रखते तो भी अच्छा था शहीद ऊधम सिंह के नाम से रखते भगत सिंह के नाम से रखते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखते किसी के नाम से रख देते क्या दिक्कत थी मगर ये पाखंड की जो दुकान चला रहे हो ना और हिंदू राष्ट्र बना रहा कौन कह रहा है वो चक्र पाणी इस मिसाइल लगाओ इसे साले को चंद्रमा पहुंचाओ पहला आदमी इसी को भेजो यही बताएगा वहीं वही वही हिंदू राष्ट्र बनाइए लालू यादव कह रहे हैं कि सूर्यान जो जा रहा है उसमें मोदी को बिठा के भेज दो कहां पे सूर्य पे हाँ तो पहुंचना चाहिए एक और क्या अरे ये कुछ भी कर सकता है हनुमान जी मुंह में ले गए थे सूर्य को समझे और जब इनसे लोगों ने तार्के पूछा तो कहें नहीं वो परछाई में लिए थे हनुमान जी परछाई को ले लिए थे अरे क्या मूर्ख बनाते हो तुम्हारे पास तर्क नहीं है को तर्क करते हो ये पाखंडवादी लोग हैं पाखंडवादी व्यवस्था पे हराम की खाने वाले लोग हैं समझे मैं बार बार कहता हूँ कि इन पाखंडियों का तीन चीज़ों का बहिष्कार करो पहला नंबर पहला नंबर इनको दान देना बंद करो इन पाखंडियों को दूसरा नंबर इनको सम्मान देना बंद करो तीसरा नंबर इनको मतदान देना बंद करो देख लेना ये भिकमंगे अपनी औकात पर आ जाएंगे ये सारे कहानी किससे बंद हो जाएंगे इनके ये इन जो पाखंडवादी व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं इस देश के ऊपर साम्राज्यवाद पैदा करना चाहते हैं समाजवाद को ख़त्म करना चाहते हैं इस देश के समझे जो समता मूलक समाज की बात करता है जो सबको भाईचारे से रहने का और जीने का अधिकार देता है भारत में इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं तो इनके कुछ करने से होगा नहीं और ये भुखमरी का जो दौर मचा रखा है अरे संविधान पुराना हो गया अब नया संविधान चाहिए भारत के लिए कौन सा संविधान पुराना तुम्हें भी चाहिए आप मुझे बताओ तुम्हें तो नहीं चाहिए विवेक डेब्रोय को चाहिए हाँ तो उसके बाप को भी चाहिए है भे त्रिया पुराना हो गया तो बता फालतू की बकवास करते हो ये देश में पाखंड की मैं कितनी बार कहूँ कितनी किताबें किससे बना के जो हजारों वर्षों से लोगों थो पर थोप रखे हैं पुराने नहीं हुए बे इसको बदलो समझे नहीं और उसी दुनिया में जीते हो तुम धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा भिगमंगो कहीं बहन बेटियों को लड़ाई करवाते हो कि कर मरवाते हो जात पात के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत उठवा रहे हो तुम ये कहन राष्ट्र राष्ट्र बना रहे हो भाई तुम है इसे कौन बचाएगा बे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने वाले ये बे, बेटियों की इज्जत खुद लूटते हैं सभी देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कैसे लूटी जा रही है देश है मणिपुर में देखो समझे और नुह में क्या कर रहे थे नुह में देखा नहीं इन्होंने कौन सी यात्रा निकाल लेते क्या नाम था उसका यात्रा का शोभा यात्रा नहीं थी मैडम वो सब यात्रा निकालना चाहते थे भारतवासियों की ठीक है एक कलश यात्रा कलश यात्रा नहीं थी वो ये भारत में कलेश यात्रा बनाना चाहते थे उसको तो ये पाखंडी है ढोंगी हैं ये लुटेरे हैं आतंकवादी है, देश हैं, देशद्रोही हैं, समझे ये देश को बेच रहे हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगली बार फिर आते हैं उसके बाद फिर आते हैं सैतालीस तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा विकसित? राष्ट्र। कब कब आएंगे कहाँ कब आएंगे सैतालीस तक ये आदमी जिंदा रहेगा क्या अरे कौन सा जोशी है किसने देखी तेरी पत्रा है दो हजार सैतीस तक सैतालीस तक लिख के दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी फिर कहाँ से आएगा ए? भारत को फाइव ट्रिलियन वाले बनाना है कि नहीं उसके लिए तो मोदी ही चाहिए है मोदी चाहिए तो फिर मुझे लगता है सारे भक्त तो मर जाएंगे है इनकी अम्मा बेबा हो जाएंगी सब मोदी के मरने के बाद समझे भूतनी के हो बिना बाप के हो जाओगे हैं फिर बाप नहीं बदलोगे क्या या यही बाप है या जो तुम्हारा जिससे तुम्हारा बाप नहीं या मोदी बाप है बेशर्म हो इस देश के संविधान के साथ मजाक मत करो इस राष्ट्र के साथ मजाक मत करो देश को बेचने का घिनौना अपराध मत करो नहीं तो भारत के बेटे और बेटियां जब तैयार हो जाएंगे ना तो गांव में खेत खलिहान में जो फावड़ा चलाते हैं जो हसिया चलाते हैं जो कुदाल चलाते हैं वही लेके पीछे पड़ जाएंगे ना सालों उसी में गाड़ देंगे तुम्हें समझे नहीं आज तो किसान मजदूरी मेहनत करके अनाज उगाता है और ये ध्यान रखना कहीं अनाज की जगह उसने खेतों में बारूद उगाना शुरू कर दिया तो तुम्हारी कुर्सी समेत सब उड़ा देंगे ये ध्यान रखना वे बूतनी वालों विशेष सत्र बुलाई गई है संसद की नरेंद्र मोदी ने बुलाया है वन 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 नेशन, वन इलेक्शन इलेक्शन नेशन की की बात हो महिलाओं की की बात होगी होगी महिलाओं महिलाओं के के आरक्षण तमाम काम हो रहे हैं देश हित में क्या कहीं नहीं आरक्षण की महिलाओं करने वाले क्या आरक्षण देंगे महिलाओं को ये कभी नहीं दे सकते ये महिलाओं की इज्जत लूटने वाले इनकी खुद की तो बहन बेटिया है नहीं है अपनी बीबियों को तो ये दे नहीं पाए अपने घर में एक सरपरस्ती नहीं दे पाए बीबी छोड़ दिए तो ये देंगे महिलाओं के लिए ये सोचेंगे है जगह जगह बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हो हर जगह ये आपने कहा नहीं देखा इनका जो विधायक जो वो था कौन कुलदीप सिंह सैंगर है ये महिलाओं की ऐसे इज्जत देंगे आप मुझे बताओ वो चिमन आनंद छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता था हैं और उन्हीं को जेल में डलवा दिया उनके परिवार वालों को तो ऐसे देंगे ये भगवादारी पाखंडी ढोंगी आतंकी समझे मैं कहता हूँ भारतवासी से जाग जाओ वो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ वो सोने वालों जाग जाओ आप जाग जाओ ये... आप माने चाहे ना माने भारत में रहने वाला हर एक इंसान हिंदू है और भारत हिंदू राष्ट्र है आ, कौन भूतने का कह रहा है हिंदू राष्ट्र है मोहन भागवत का हाँ तो वो उसके बाप जहाँ हिंदू राष्ट्र हो ना वहाँ चला जा भारत है, अरे भारत। लोग है, इनका जीन, इनका चेक करो मोहन भागवत का डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है ये खुद भारत का नहीं है ये विदेशी लोग हैं और विदेशी मान से जब हमारा धर्म नहीं है विदेशियों के द्वारा बनाया हुआ धर्म हमारे भारतवासियों का धर्म कैसे हो जाएगा हैं तो ये जो है पाखंडवाद जो है ये विदेशियों का बनाया हुआ एक मानसिक बीमारी है इससे बचने की ज़रूरत है भारतवासियों को और ये जो जो कह रहे हैं हिंदू 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 कोई धर्म नहीं होता हिंदू गुलामी का शब्द है और ये फारसी शब्द है ये मुग़लों ने दिया समझे नहीं ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है और हिंदी शब्द भी कोई हिंदी यहाँ का नहीं है भारतीय शब्दों को ही हिंदी शब्द कह दिया इन्होंने है भारतीय भाषा को इन्होंने हिंदी बना दिया उसको नाम चेंज कर दिया समझे न भाई बाप तो भारत ही रहेगा तुम्हारा चाहे हिंदू बनाओ चाहे हिंदी बनाओ चाहे कुछ बनाओ भूतने क्यों बाप तो हम ही रहेंगे तुम्हारे भारतवासी ये ध्यान रखना और जब बाप अपनी औकात में आता है ना फिर तुम्हें बता देता है समझे और यहाँ जो तुम हमारे दया पर पले हो हमें सिखाओगे तुम हमारे दया पर पलने वाले भिखारी हमें बताएंगे है कि कौन सा राष्ट्र कौन सा नहीं है ये भारत था भारत है और भारत रहेगा कोई हिंदू फिंदू नहीं है यार है पूरे देश में सारे भारतवासी हैं इनको अधिकार चाहिए और संविधान हमें बचाएंगे ये नहीं तुम संविधान को जो तार तार करना चाहते लुटे हो लुटेरो विदेशियों भिकमंगो हैं भिखारी क्यों नहीं लिखते हो अपने नाम के आगे है तुम्हारा कर्म भीख मांग के खाने का है लिखो भिखारी भारत की स्थिति खराब कर दिया और देश को भुखमरी का कंगार पर ला के रख दिया तो मैं कहता हूं कि चाह तन मन को गुनेगार बना देती है चाह तन मन को गुनेगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है और मैं फिर कहता हूं कि जाग, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ सोने वालों जाग जाओ जरा ये देखो तो सही तुम्हारे घर में चल क्या रहा है जरा देखो तो सही तुम्हारे घर में चल क्या रहा है आंख तक खोलो आँख तो खोलो तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है ये देश को बेच रहा है इसकी ओर ध्यान दो तुम और नहीं दोगे तो ये देश बिक जाएगा संविधान खतरे में और जितने भी लोग जो इतरा रहे हैं जो बाबा साहेब जो अधिकार दे गए उन पर ये कुठाराघात कर रहे हैं ये पाखंडी विदेशी लोग समझे भारत के नहीं है और जिस धर्म की तुमसे पूजा करा रहे हैं ये भारतवासियों का धर्म नहीं है पाखंडियों की मानसिकता का धर्म है समझे नहीं और धर्म की वही बात करें जिससे धर्म से रोजी रोटी मिलती हो और जिसे रोजगार से और रोजी से और संविधान से इसे तरक्की करने का आगे मौका मिलता हो संविधान की बात करें रोजगार की बात करें शिक्षा की बात करें पाखंड से बचो मैं फिर कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर बार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो राष्ट्रवाद के साथ चलो आज जरूरत है राष्ट्रवाद की समझे नहीं ये जो साम्राज्यवाद पैदा करना चाहते हैं सामंतवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं समझे आपने समाजवाद को स्थापित करना है और समाजवाद वही है जो समता मूलक समाज की बात करता है सभी समाज सभी कौम सभी धर्म सभी जातियों को साथ लेकर जा चलने की बात करता है और ऐसी बात कोई नहीं करता सिर्फ बाबा साहेब का लिखा हुआ भारतीय संविधान ऐसी बात करता है ऐसी विचारधारा का प्रतीक है और भारत का मजबूत स्तंभ है देश का संविधान अगर कोई इसके देश के संविधान को छेड़ने की बात कर रहा है इसको खत्म करने की बात तो समझ लो वो आतंकवादी है उग्रवादी है देशद्रोही है विद्रोही है और ऐसे लोगों को डकेतों को मानने का पूरा अधिकार है आप ऐसे लोगों को माफ मत करो जो आपके संविधान को छेड़ना चाहता हो जो आपके संविधान को छेड़ना चाहता हो जबकि ये पाखंड की किताबों को नहीं साले ख़त्म करते धर्म में जबकि किताबों को ख़त्म नहीं करते जैसे इनकी अम्मा लिख गई हो इनका बाप लिख गया हो समझे हमारे संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं जिसमें हमारे अधिकार लिखे हुए हैं भारतवासियों को आगे बढ़ने के अधिकार हैं शिक्षा का अधिकार है बहन बेटियों की इज्जत का अधिकार है है मुझे बताओ कौन सा धर्म मजब मैं मैं एक बात सुन लूँ मेरी बात पहले आप जो ये टुल्लू सा लगा के घूम रही हो हैं क्यों किसने अधिकार दिया आप मुझे बताओ रामायण ने कोई अधिकार दिया आपको महिलाओं को कितने अधिकार दिए आपने देखा किसी मंदिर की पुजारन या पंडित कोई महिला देखी है आपने बताओ जो हवन करती हो बताओ नहीं देखी ना ये अधिकार तो फिर रामायण तो दिए नहीं हैं भागवत ने नहीं दिए और आपने किसी मस्जिद के अंदर किसी मौलवी किसी महिला को देखा है क्या देखा भाई नहीं देखा होगा तो यह अधिकार उनके कुरान ने भी नहीं दिए महिला को ठीक है बाइबल में देखा आपने कोई फादर बनाए चर्च का कोई महिला फादर बनी है चर्च की यह अधिकार महिलाओं को नहीं दिए ना बाइबल देती ना कुरान देती ना रामायण देती ना भागवत देती मगर महिलाओं को अधिकार कौन देती है किसने दिलाया ये हाथ में माइक पकड़ने का किसने जज कलेक्टर बनाने का अधिकार दिलाया किसने आईपीएस आईएएस बनने का अधिकार दिलाया किसने डॉक्टर बनने का अधिकार दिलाया किसने राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिलाया किसने प्रधानमंत्री महिलाओं का अधिकार बनाया किसने सांसद और एमएलए बनने का अधिकार महिलाओं को दिलाया किसने दिलवाया भारत के संविधान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया महिलाओं का अधिकार समझे तो इस पाखंड से चाहे किसी भी धर्म का मजब कौम की बहन बेटी रही हो अगर उसको आईपीएस आईएएस डॉक्टर पत्रकार समझे या किसी भी ऊंचे ओहदे पर जा रही है तो उसका अधिकार सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया ना रामायण ने दिया ना कुरान ने दिया ना गीता ने दिया ना बाइबल ने दिया तो संविधान को जानो संविधान सभी के लिए विश्वसनीय एक ऐसा देश का संविधान है जो सबको एक आगे ले जाने की बात करता है सबको समान अधिकार की बात करता है ये देश को एक मजबूती प्रदान करता है अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो समझ लो कोई व्यक्ति कर रहा है या उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो समझना देशद्रोही है वो आतंकवादी है उसे एक पल भी जीने का अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को दंडित करो जो संविधान के विरुद्ध बोलते हैं भारतवासी जाग जाओ समझे ये भक्त है तुम्हें तो अपनी भूमि का अपने देश का अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का और एकदम खड़े हो जाओ संविधान के लिए खड़े हो जाओ अगर आपके संविधान के विरुद्ध कोई बोल रहा है चाहे देश का कोई भी हो उसको माम मत करो उसको मुँह तोड़ जवाब दो डरो मत क्योंकि डरोगे तो मरोगे और धारोगे नंदा भाई की तरह तो इन पाखंडियों की फाड़ोगे ध्यान रखना तो आपने सुना किस तरीके से नंदा भाई ने दहाड़ा है और संविधान पर तमाम बातें कही है संविधान ने आ, सही बात है कि संविधान ने जो है म, महिलाओं को दलित को पिछड़ों को गरीबों को सबको बराबर का अधिकार दिया है संविधान बचाने की ज़रूरत है संविधान पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी जनहित आवाज